हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे। गुड मॉर्निंग नीवू, जय श्री कृष्णा। नीव को देखिए नीचे छोड़ दिया है, क्योंकि ना मैंने रियलाइज किया ना कि मैट में ना वो क्रॉल नहीं कर सकता। मतलब वो करना तो बहुत चाहता है और अपने नीज को फोल्ड भी कर ले रहा है, पर ना उसमें थोड़ा सा वो एंटी स्किड जैसा है, तो उसमें ना उतने फ्रीली वो मूव नहीं कर पाएगा। गर्मियों में ना दूध बहुत बार अपने आप फट जा रहा है। देखिए पनीर निकला है, तो चलिए इसी का पराठा बनाती हूँ नाश्ते में। चल रहा है नीवू का वीकेंड में, क्या सब चल रहा है पापा के साथ? होम टूर चल रहा है। यस, हाय नीवू। हेलो। और नया नीवू का चालू हुआ है कि अगर नीवू को नींद आ रही है तो मेरा कान पकड़ के खुजाए। ये जो अंगद के आप लिप्स पे देख रहे हो ना, पहले ये बता दूं क्या हुआ। ये बहुत पेनफुल रहता है, तो याद है अंगद का और सबका हमारा तबियत खराब हुआ था। हाँ। तो जब भी अंगद को फीवर या फिर कोल्ड आए ना, तो काफी बार उसके होंठ पे ना ऐसे क्या बोलेंगे पिंपल ब्लिस्टर्स निकल आता है। और ये चीज पास ऑन हुई है अंगद की मॉम से, तो उनको भी होता है और अंगद को भी होता है, है ना नीवू। अब देखते हैं फ्यूचर में नीवू को होता है कि नहीं। नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होम टूर चल रहा है नीवू? हाँ, सब कुछ फिर से रिवाइज कर रहे हैं। घर में क्या है, क्या सब तबाही कर सकते हैं फ्यूचर में। सैटरडेज को कुक जो है वो लेट आती है, अदरवाइज 10 से 10:15 के बीच आती है। सैटरडेज को 11:30 भी बज जाता है, वैसा हो जाता है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं नीव का खाना जो है वो चढ़ा दूंगी, क्योंकि वो इतनी लेट आएगी तो फिर वो खाना खाएगा कब। अभी उसका नैप टाइम है, थोड़ी देर में सोएगा और सो के उठेगा तो खाना खाएगा। तो सबसे पहले मैं अलग से उसको चढ़ा देती हूँ और वो बॉइल होता रहेगा, बाद में उसको खिला दूंगी। नीवू को सुलाने की निंजा टेक्निक जो अंगद ने अपनाई है आजकल, वो है ऐसे उछल उछल के, उछल उछल के। वो रेड रेडिंग हुड नहीं चलती थी ऐसे। अंगद का भी एक्सरसाइज हो रहा है और इससे नीव मैजिकली थोड़ा जल्दी सो जाता है। भाई मैं तो इतना नहीं कूद सकती हूँ उसको लेके। भाई नीव के सारे कपड़े ना मैं अलग इकट्ठा करती हूँ और उसके बाद में एक बार इसका साइकिल चला के ड्रायर मोड पे चला देती हूँ, तो इसका अलग ही धो लेती हूँ। छोटे छोटे से रहते हैं ना, तो ज्यादा देर का साइकिल चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं पहले। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अमेजिंग है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो इस बार जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर में है बीट रूट। अब बीट रूट कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए तो आपको पता ही है, तो स्किन पे इसका कितना अच्छा इफेक्ट होगा वो आपको पता चलेगा जब आप ये प्रोडक्ट ट्राई करोगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है मामा अर्थ का बीट रूट जेंटल फेस वॉश। इसमें है बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये आपको देता है एक हाइड्रेटेड पिंक ग्लो। ये सो फ्री फॉर्मूला से बना है और हर स्किन टाइप पे सूट कर जाता है। बीट रूट जो है वो देता है एकदम नेचुरल ग्लो और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है हाइड्रेशन को। ये जेंटली क्लीन करता है आपकी स्किन को और आप ये सेंसिटिव स्किन पे भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप फेस वॉश करते हैं वैसे फेस वॉश करिए और उसके बाद देखिए आपकी स्किन पे कितना सुंदर सा ग्लो आएगा। फेस वॉश करने के बाद में ये रिजीम यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, आपको अप्लाई करना है अपने स्किन पे मामा अर्थ का ये बीट रूट हाइड्राफुल एसेंस सीरम। इसमें बीट रूट है एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी स्किन को अप टू 92% हाइड्रेट करता है एंड पिंक ग्लो देता है। ये भी हर स्किन टाइप पे चल जाएगा। तो अगेन बीट रूट नेचुरल ग्लो देगा और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हाइड्रेशन को प्रमोट करेगा। ये लाइट वेट है एंड क्विक एब्जॉर्प्शन है इसमें, तो आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, इसमें कुछ भी चिपचिपा हमें लगाने का मन नहीं करता। तो अगर आपको लेना होगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ये लेते हैं मामा अर्थ के वेबसाइट से या ऐप से, तो मेरा कूपन कोड दामनी2024 जरूर लगाइएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं और मामा
बर्ड्स की एक इनिशिएटिव है जो मैं आपको हमेशा मेंशन करती हूँ कि जब भी आप इनका कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट जिसका जियो लोकेशन ही आपको भेजते हैं। तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, कॉस्ट भी अच्छा है, और एक और चीज है कि अब इनके प्रोडक्ट्स आपको लोकल स्टोर्स भी मिल जाते हैं। तो कभी मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। तो अगर आपको लेना होगा तो मैं तो आपको रिकमेंड करती हूँ। बीट रूट वाला प्रोडक्ट ना अमेजिंग है स्किन के लिए, इतना अच्छा फील होगा ना आपको। और अभी गर्मियों में बहुत ज्यादा आपको पसीना हो जाता है, स्किन डल लगता है ना, वैसे में अगर आप उसको लगाओगे ना देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। तो ट्राई जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है जो मुझे आता है जब भी मैं दिखाती हूँ कि नीव कैसे सोता है, कि आप झूला ले लो सोना, तो झूले पे बच्चे अच्छे से सोते हैं। तो अंगद जी झूले के खिलाफ है, क्या आप बताएंगे झूला क्यों नहीं लेना चाहिए? झूला दो रीजन से, एक तो आपको कंटिन्यूस फिर झूला झूलते रहना पड़ जाता है। थोड़ा देर झूला स्लो हुआ या रुक गया, आपको फिर उठ के करते रहना पड़ेगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बन रहा है एक्चुअली। क्योंकि आप चाहते हो कि बेबी फ्री हो तो आपको कुछ फ्री टाइम मिले, कुछ और कर सके, पर अगर आप झूलते रहोगे तो आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा, तो डज नॉट सॉल्व द पर्पस। दूसरा कि कहीं पे भी हम गए, ट्रैवल के लिए गए, कहीं पे भी हम लोग गए, झूला थोड़ी ना साथ में लेके जाएंगे। अगर एक बार इसको झूले का आदत लग गया तो फिर खत्म, फिर आपको हर जगह पे झूला लेके जाना पड़ेगा। और वो एक्सपीरियंस अंगद को अपने बचपन से आया है। हाँ। ये झूला खोर बच्चा था। yes. और इसने बहुत तंग किया है मॉम डैड yes. को, इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हुए कहीं yes. जाने में, क्योंकि इसको झूला चाहिए। और नहीं, मेरे कोलीग को भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? वही जहाँ जाते हैं वहाँ पे झूला साथ में लेके जाते हैं। नीव के लिए ना मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करी थी, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है अमेजोन से। तो एक देखिए मंगवाया मैंने गणेशा बुक, गणेशा उसको बहुत ज्यादा पसंद है, आई गेस हर बच्चे को पसंद है। तो मुझे लगा चलो बुक होगा तो अच्छा होगा, तो बोर्ड शेप बुक है, मैं लिंक दे दूंगी आपको, 99 रुपीज का ये बुक है। तो अंदर में ना ऐसे पिक्चर्स हैं, और अच्छा मुझे ये लगा ना कि बड़े बड़े पिक्चर्स हैं, तो छोटे बच्चों को क्या बड़े बड़े पिक्चर्स ही अच्छे लगते हैं, टेक्स्ट से उनको तो कोई लेना देना है नहीं। उसके अलावा उसके लिए कुछ टीथर मंगाया है, तो पहले भी टीथर मंगाया था, वो ना अलग अलग टीथर चाहिए रहता है उसको। मैं देख रही हूँ उसको रिमोट बहुत अट्रैक्ट करता है, तो हमारा जो रिमोट है ना वो कहीं दिख जाए उसको तो खाने लगता है। तो ये जो टीथर है देखिए रिमोट शेप का ही टीथर है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पीछे साइड में भी कुछ कुछ ऐसे बना हुआ है, और आगे के साइड में तो लिटरली बटन्स बने हुए हैं, एक पल के लिए लगे कि रिमोट ही है। और एक और टीथर मंगाया है, ये ऐसा है, ये वाला अंगद को बहुत पसंद आया, तो इसके साथ में देखिए क्लीन करने को भी दिया हुआ है, आप क्लीन कर सकते हो, और यहाँ पे ये उसको चबाते रहेंगे। तो ये दो टीथर मैंने मंगाया, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सोकर उठ गया और मैंने नीबू को उसका नया बुक गिफ्ट कर दिया, गणेशा बुक। कैसा लगा नीबू ये गणेशा बुक, पसंद आया? वाह, ये तो बहुत पसंद आ रहा है नीबू को, बहुत पसंद आ रहा है। देखो तो सही, अंदर देखो तो सही, कितना प्यारा गणेशा का फोटो है। जय करो, जय किया तुम गणेशा को, ये लगाते पैर, गणेशा को जय कर दो। देखो 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 कितनी बिग बिग आईज है नीबू गणेशा की। शाल लेना हो गया, रिवो हो गया फ्रेश। वैसे तो ये पहले खाना खाता है, उसके एक घंटा के बाद में इसका मालिश और शार होता है, पर आज ये लेट सोया, सो नहीं रहा था। अंगद ने इसको लेट सुलाया तो उसको सोने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर बीच में उठा करके खाना खिलाइए तो क्रैंकी हो जाता है। तो पूरा नींद पूरा करके उठा 12:20 को, उसके बाद 12:30 को भी नहा करके आया है 1 बजे, अब लंच करेगा प्रॉपर लंच टाइम में, आज नीव फर्स्ट टाइम लंच करेगा, वरना इसका लंच में 11:30 बजे के आसपास करवा देती हूँ। चले लंच करने चले। लंच हो गया और ये देखिए कितनी सफाई से खाया गया है खाना। सीखिए आप लोग कि इस तरीके से खाना है कि लगे हाँ था कुछ यहाँ पे खाना खाया गया है। पानी गिरा दिया गया है, गाजर फेंक दिया गया है, बीटरूट भी कैसा लग रहा है ये नींबू, ये क्या चल रहा है खूंखार शेर ऊपर से ये बीटरूट का रेड रेड ना और लग रहा है नींबू, ये लो फिनिश करो, इतना बाकी है देखिए,
फिनिश करो। चलिए नीव का लंच हो गया, बारी हमारे लंच की। आज ना मैंने इस सीजन का पहला कच्चे आम की चटनी बनवाई है। तो इस सीजन का पहला कटहल तो मैंने खा लिया, अब चटनी की बारी है। तो पके हुए आम भी आ गए, पर वो हमने नहीं मंगवाया, बहुत ही उसमें केमिकल होता है। हम लोग ना पेटी लेकर के आते हैं फ्रूट मार्केट से, उसको घर पे ही पकाते हैं, तो वो करना है। पर फिलहाल मैंने मंगाया कच्चे आम और चटनी बना रहा। मैं देख रही हूँ अभी कि जो आम है ना उसकी जो गुठली है उसको कुक ने डाल दिया दाल में, उससे ना बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है दाल में, तो चलिए अच्छा लग रहा है। तो है लौकी की सब्जी, दाल, चटनी और फिश फ्राई। तो बस आज का लंच जो है बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी। देखिए ये गुठली उसने डाल दी है, इससे हल्का खट्टा खट्टा फ्लेवर जो है ना वो दाल में आ जाता है। और ये रही चटनी, वाओ क्या मस्त स्मेल आ रहा है। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है बताइए, किसको किसको ये आम की खट्टी मीठी चटनी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। नींबू अपना तिथर एंजॉय कर रहा है, और अगर नींबू अपना तिथर एंजॉय करता रहे, हम लोग अपना सोच रहे कपिल शर्मा थोड़ा एंजॉय करे। तो कपिल शर्मा का फिर से सीजन आ गया नेटफ्लिक्स पे ना, तो ये सेकंड वाला एपिसोड हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में वैसे ये बच्चा शायद सो जाए तब फिनिश कर पाएंगे, पर अभी भी ट्राई करें। नींबू देखने देगा, देखने देगा? यस यस। अभी तक तो अच्छा लग रहा है तीथर इसको। ये सोच रहा है रिमोट ही है इसीलिए वो खा रहा है। अगर उसको चल गया पता रिमोट नहीं है तो फेंक देगा। इसका कोई फंक्शन नहीं है इसीलिए एक्चुअल रिमोट छुपा के यूज करने का, ताकि उसको लगे यही वो रिमोट है। और बीच बीच में ना छींदेगा, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। डिशवॉशर तो खराब है, अभी तक उसका कुछ भी रिपेयर नहीं हुआ, पर अभी चलिए वॉशिंग मशीन फिलहाल सही काम कर रहा है, तो कपड़ा धुल के सूख जा रहा है तो टेंशन नहीं है। तो अभी जस्ट लेकर आई हूँ कपड़े, समेटूंगी। नींव थोड़ी देर सो रहा है, सोकर उठेगा फिर हम लोगों को बाहर भी जाना, चाय वगैरह पी करके। अच्छा मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहा है एक आप लोगों से कि नैनी का क्या हुआ, शोना नैनी नहीं आ रही है, क्या हुआ नैनी का बताइए। तो देखिए नैनी को हमने मना कर दिया, रीजन ये नहीं है कि नींव एडजस्ट नहीं हो रहा था या फिर नींव सो नहीं रहा था ठीक से, उसको फीवर आ गया, वो सब तो छोड़िए। हमें देखना था कि नैनी किस तरीके से बच्चे को रख रही है। हमने उनको बोला भी था कि देखिए पहले हम लोग देखेंगे टेम्पररी बेसिस पे कि कैसा आप कर पा रहे हो, और आपको भी मैं बार बार बोल रही थी ब्लॉग में ना कि देखते हैं अभी पहले वन वीक कैसा रहता है। तो दो प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको नहीं आ रहा था लैंग्वेज अच्छे से हिंदी, तो वो ना क्योंकि बोल नहीं पा रही थी फ्लुएंटली तो वो बोलती ही कम थी। और बच्चे के साथ क्या है, जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, कुछ गाओगे, कुछ सुनाओगे, कुछ बातें करोगे, तब तक उनको नहीं अच्छा लगता है। आपको कितना भी कुछ दिखा दो, टॉय बुक दिखा दो, नहीं, उनको बातें करनी होती है। तो इनको नहीं आ रहा था हिंदी, उन्होंने कहा था मुझे आता है मैं मैनेज कर लूंगी, पर ये नहीं बोल पा रही थी, इस वजह से ये साइलेंट ज्यादा रहती थी। तो नींव उस वजह से भी उनके पास में उतना अच्छे से रह नहीं पा रहा था, तो हमें लगा नहीं लैंग्वेज का बैरियर है तो आगे जाकर कोई दिक्कत होने वाली है। इंग्लिश भी नहीं आ रही थी ठीक से और हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही थी, तो वो एक था मसला। और दूसरा रीजन था वही जो आपने देखा कि नींव भी थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमें लगा नहीं लॉन्गर रन में ये नहीं होगा। हमने उनको क्लियरली बोला भी था कि देखते हैं कैसा होगा, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हमें लगा। और जो भी जैसा भी उनको आ रहा था वो बोलती वो चलता, जैसे कि जो नींव की मसाज वाली आंटी है ना, उनको भी हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती है, पर वो जैसा भी आती है वो बोलती रहती है, तो नींव रिस्पॉन्ड करता रहता है, क्योंकि बच्चों के आप बोलोगे मुस्कुराओगे रिस्पॉन्ड करेंगे। इनको क्या था कि फिर ये बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, चुप रह के बस चीजें दिखाती रहेंगी, घुमाती रहेंगी, तो वो नहीं चलता। तो इस वजह से हमने मना किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से नहीं रखूंगी। मुझे भी क्वेश्चन आया था कि आप नहीं रखोगे। देखिए लाइफ में कुछ भी ना, कोई भी एक्सपीरियंस मैं मानती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे होता सब कुछ, बीच का। तो बुरा एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, लर्निंग लोगे, फिर कुछ बेटर ढूंढोगे। देखिए जरूरत तो मुझे है हेल्पिंग हैंड की, और देखिए अभी तक जरूरत नहीं थी। मैंने पूरा डिलीवरी आपने देखा अकेले किया, प्रेगनेंसी अकेले निकाली, बच्चा मेरा 7 महीने का हो गया, अब तक हमने अकेले मैनेज किया, क्योंकि मैनेजेबल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब बच्चा अलट रहा है पलट रहा है, चलना स्टार्ट करेगा ना, मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। मैं हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र नहीं रह सकती हूँ, कलो की नींबू घुसेगा टेबल के नीचे, बेड के नीचे, तो एक चाहिए बंदा जो दौड़ दौड़ के उसको खींचे। हर जगह मैं मौजूद रहूं पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक से हमारा प्लान बन गया नैनी रखने का। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मैंने अंगत डिसाइड किया था कि जब नींबू 9-10th नींबू मतलब जब हमारा बेबी 9-10th मंथ का हो जाएगा, जब चलने लगेगा बेसिकली क्रॉल करेगा, तब हम कोई एक हेल्पिंग हैंड रखेंगे जो कि साथ रहे, बेबी की भी सेफ्टी रहेगी और हमें भी थोड़ा आराम रहेगा। पर वो डिसीजन हमने 2 महीने पहले लेने का सोचा, क्योंकि नींबू जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा, देखा था मेरी मॉम भी आई थी, मतलब सास भी आई थी, तो वो कह रही थी बहुत हाइपर एक्टिव है, उसको चाहिए कि कोई ना कोई सामने रहे ही। वो ऐसा नहीं है कि अकेले बैठ करके 5 मिनट भी खेल लेगा, आप रहो, खिलाओ, बातें करो, घुमाओ, उसको ऐसा चाहिए। तो सिर्फ एक बंदे से नहीं होगा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि जल्दी रख लेंगे। पर हाँ ठीक है, एक बार में नहीं सही बैठा, फिर से ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं हार मानूंगी, फिर से रखेंगे। और जो भी लर्निंग मैंने सीखी है
कि मैं मुझे एकदम से नींव को उन पे नहीं छोड़ना है, सुलाने का तो खुद ही करना ही करना, और जब सो भी जाए तो भी नींव, पहले क्या हो रहा था मैं सुला तो रही थी पर जब वो उठ रहा था तो पैट वो कर रही थी तो वो डर रहा था, वो नहीं करना है, एक महीने के लिए वैसा भी नहीं करना है, धीरे धीरे नींव जेलिन हो जाएगा। तो वैसे करके मैंने सीखा है बहुत कुछ, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी एंड होपफुली सही होगा। तो बहुत सारे जो मदर्स मुझे देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं रखने का नानी, तो मेरे एक्सपीरियंस से वो डर गए, कमेंट्स आ रहे थे कि शोना हम भी सोच रहे रखने का पर डर लग रहा है अब तो, कैसे जेलिन नहीं हो पाएगा बेबी। मत डरिए, आप सीखिए चीजों को जैसे मैं सीख रही हूँ, और मेरे लर्निंग से आप सीख सकते हैं कि शोना ने फर्स्ट टाइम ये गलतियां की, फिर उसको सुधारा उस गलती को तो बेटर हो गया। गन्नू मम्मा का मम्मा पापा कौन है? मैं पापा हूँ, ये मम्मा है तुम्हारा। हाँ, ऐसे ऐसे गन्नू मम्मा का मम्मा पापा कौन है? देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बताते हैं। शिवा उसका पापा है और पार्वती उसकी मम्मा। इधर देखो, इधर ये वाला, ये देखो शिवा, ये जो है शिव भगवान है, शिव भगवान और पार्वती माता। चलिए तो हम सब लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। आज प्लान है बाहर डिनर करेंगे एंड नीबू का फेवरेट पार्ट है लिफ्ट देखना। डेट नाइट चलेंगे, डेट नाइट फैमिली नाइट, डेट नाइट विद छोटस कबाब में हट्टी। हाय कबाब में हट्टी, तुम तो बहुत ही क्यूट रहती हो, लोग बंद हो गया। और जो जगह जा रहे हैं ना वो बड़ी अच्छी जगह है, हमारे घर से पास भी है तो ट्रैफिक अवॉइड हो जाता है एंड ओम्बियंस भी अच्छा। अभी रिसेंटली भी वहाँ गए थे, जब आए थे ना मुंबई से नीबू के चाचू, तभी भी हम लोग सब लोग वहीं पे गए थे, तो सोचा आज भी वहीं चलते। चलिए तो हमारा डिनर वगैरह हो गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आते ही कुछ देर में नींव सो गया, तो उसके बाद वो गोद में सो रहा था, फिर हम लोग ने खाना एंजॉय किया, पर खाना एंजॉय कर पाई क्योंकि वो सो रहा था, पर मेरे हाथ जो थे एक बंधे हुए थे तो मैंने कुछ शूट नहीं किया।